रांची लिवंस अस्पताल परिसर में नर्सिंग की छात्राओं द्वारा मीना बाजार का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। मांडर कांस्टेंट लिवंस अस्पताल परिसर में नर्सिंग की छात्राओं द्वारा मीना बाजार का आयोजन किया गया। कांस्टेंट लिवंस स्कूल की छात्राओं ने अपने सुसज्जित स्टॉल में अपनी प्रतिभायुक्त विभिन्न कला को प्रदर्शित किया है। यूं तो कई दशक से यहां का मीना बाजार क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहते आया है, किंतु पिछले वर्ष कोरोना के कारण आयोजन नहीं हुआ था। इस बार आयोजित होने की खबर क्षेत्र में फैलते ही लोग उत्साह से भर गए। वहीं मीना बाजार में नर्सिंग की छात्राओं द्वारा निर्मित तरह तरह के झारखंडी, चाइनीज एवं अन्य प्रदेश के प्रसिद्ध पकवान, रोचक गेम्स, गृह सज्जा के सामानों की दुकानों में लोगों ने काफी रुचि दिखाई एवं खरीदारी कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं मीना बाजार आए सभी आयु वर्ग के लोगों ने मनपसंद आइटम का स्वाद चखा। किसी ने मोमो, किसी ने धुस्का, कचरी, बड़ा पकौड़ा, किसी ने इडली सांभर, किसी ने गुलगुल्ला, किसी ने वेज चिली, किसी ने चिकन चिली, किसी ने चाउमीन का स्वाद चखा, तो किसी ने रिंग डालना, निशाना लगाना, हौजी सहित अन्य खेलों में हाथ आजमाया। वहीं छात्राओं द्वारा बनाए गए सजावटी सुंदर फूल तो मीना बाजार आए अधिकांश लोगों ने यादगार स्वरूप खरीदना भूला। कांस्टेंट लिवंस नर्सिंग स्कूल की प्राचार्य सिस्टर फ्लोरिया मिस ने बताया कि नर्सिंग में सुई दवाई के प्रशिक्षण के साथ छात्राओं में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, इसी उद्देश्य से स्कूल प्रबंधन द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कांस्टेंट लिवंस अस्पताल में प्रबंधक फादर जॉर्ज एवं उप प्रबंधक फादर सीजो ने छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए सभी के स्टॉल पर जाकर उनकी कला को काफी सराहनीय बताया। वही मौके पर एसएसएन लीडर किरण शांति सोरेन, रश्मि तिर्की, अलमा बास सोना तिर्की, सुचिता शर्मा को, कल्पना कंडुलना, अनीता कश्यप सहित सभी नर्सिंग की छात्राएं मौजूद थी। मैं सिस्टर फ्लोरिया मेंस नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल हूं। आज हम लोग का नर्सिंग स्कूल की छात्राएं जो यहां पर छोटा मीना बाजार लगाए हैं, ये मीना बाजार उनको अवसर दिया जाता है कि वो लोग अपनी कला और क्षमताओं को प्रदर्शित करें। इस तरह से वो लोग नर्सिंग की कलाओं में केवल नहीं, लेकिन वो लोग अन्य क्षेत्रों में भी वो लोग जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये अवसर उन्हें दिया जाता है कि उनका जीवन आगे का सफल रहे और हर जीवन के हर मोड़ पर वो लोग आगे बढ़ पाए, हर तरह की समस्याओं का सामना कर पाए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। उन लोग को हम लोग ये अवसर देते हैं कि उनका हर तरह से विकास हो और जीवन में ये सब उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद। आज हम लोग नर्सिंग स्कूल की छात्राएं कांस्टेंट लिवंस हॉस्पिटल कंपाउंड में मीना बाजार का आयोजन किए हैं। ये मीना बाजार हम लोगों को अपनी कला और क्षमताओं को प्रकट करने का सुअवसर प्रदान करता है और हम नर्सिंग की छात्राएं केवल नर्सिंग की पढ़ाई नहीं बल्कि जो भी कला और क्षमताएं हम में हैं उसको दिखाते हैं। आज हम सभी बहुत ही खुश और उल्लास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पायल संधना टुप्पो है। आप यहाँ मीना बाजार में स्टॉल लगाई हैं? हाँ, मैं यहाँ स्टॉल लगाई हूँ। कौन सा स्टॉल लगाई हैं? मेरा स्टॉल अंडा चौप और हाजी में था। और अन्य क्या क्या स्टॉल लगा है यहाँ पर? यहाँ चाउमीन, चिकन मोमो, बिरयानी, आइसक्रीम और बहुत सारे गेम्स है और यहाँ माला और फूलों का भी दुकान है। नर्सिंग हॉस्पिटल है, आप लोग नर्सिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ मरीजों के लिए भी कोई जानकारी है, कोई सुविधा है? हाँ, यहाँ मरीजों की बहुत अच्छी से सेवा की जाती है, बिल्कुल परिवार की तरह। क्या कोई स्टॉल भी है उसके लिए? नहीं, यहाँ मरीजों के लिए अभी तो कोई स्टॉल नहीं है, केवल इंजॉय। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।